हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम पांचवा सम करने जा रहे हैं। ठीक, सो इन द गिवन फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC, इसको लोकेट करो कहाँ पे। ये देखो इधर, हाँ ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है। सो हमें क्या करना है, सिंपल, हमें एरिया का रेशियो निकालना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। ठीक है, अच्छा PQB कहाँ पे, PPQB। ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, ये हाफ इंटू व्हाट इज बेस BQ, व्हाट इज हाइट, हाइट इज PQ। और वहीं पे नीचे का अगर निकालना होगा तो PBC कहाँ पे, PBC। तो ये पूरा का पूरा बेस होने वाला है पूरा। सो दिस इज हाफ इंटू व्हाट इज बेस हियर BC इंटू व्हाट इज हाइट PQ। कैंसिल हो रहा है कुछ, PQ कैंसिल हो रहा है, हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया है BQ अपॉन BC। सो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो हमारा BQ अपॉन BC आ गया। सो उसी तरीके से सेकंड वाला करते हैं। चलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, सो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज बेस PBC, बेस इज BC इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट PQ, अपॉन हाफ इंटू व्हाट इज ABC का एरिया क्या होगा, ए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, तो हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस BC इंटू हाइट, ABC की बात हो रही थी, पूरा का पूरा हाइट है हमारा। ठीक है, AD, तो कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या है PQ अपॉन AD। अब थर्ड वाला करने की कोशिश करते हैं। थर्ड वाले में क्या बोला उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू ABC कहाँ पे लोकेट करते हैं, चलो ABC हाफ इंटू बेस, बेस इज BC इंटू हाइट इज AD, अपॉन हाफ इंटू ADC के लिए कौन सा है ADC, इसके लिए बेस ये हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इज DC इंटू हाइट इज AD। ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या BC अपॉन DC। अब हम फोर्थ वाला करेंगे, इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC बोला है, सो विच इज इक्वल टू हाफ इंटू ADC कहाँ पे, ADC हाफ इंटू बेस इज DC इंटू हाइट विच इज इक्वल टू AD अपॉन PQC हाफ इंटू PQC हाफ इंटू बेस, व्हाट इज बेस QC इंटू हाइट, व्हाट इज हाइट PQC, याद रखना हाइट हमारा हो जाएगा PQ। ठीक है, तो हाफ ऑफ कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या है DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ। सो हमने एरियाज का रेशियो निकाल दिया, पूछा था उस हिसाब से। सो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी उम्मीद से कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको सेटिस्फाइंग लगी है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिए और देखते रहिए मेरा वीडियोस, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ।